तो हम लोग स्क्रू गेज के बारे में पढ़ रहे थे, और स्क्रू गेज को लेकर कुछ रीडिंग वगैरह लेना, अब हम लोग उस पर आ गए हैं। सारी बातें बेसिक सब बता दी थी, स्क्रू गेज भी बता दिया, कैसे रीडिंग लेंगे सब बता दिया। तो देखते हैं, एक तो हम स्क्रू गेज के बारे में पहले कुछ ऐसे बातें लिख लेते हैं कि पहली चीज़ तो पिच क्या होती है। पिच पी यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाई स्क्रू इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का एक चक्कर यानी स्क्रू का एक चक्कर, तो एक चक्कर में स्क्रू जितना आगे या पीछे चला जाएगा वो आपका पिच हो गई। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल के एक डिवीजन का इतना ही साइज होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक पूरा चक्कर लगाओगे तो मेन स्केल पर डिवीजन्स बने हुए हैं, तो एक चक्कर के दौरान एक डिवीजन आगे या एक डिवीजन पीछे, उसी से तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि हाँ एक चक्कर हो गया या दो चक्कर हो गए या तीन चक्कर हो गए या 10 चक्कर हो गए। तो मेन स्केल के डिवीजन्स देख के ही पता चलेगा। स्क्रू का रोटेशन तो हम सॉरी सर्कुलर स्केल के 50 चक्कर हो गए, 20 चक्कर हो गए, वो नहीं गिने जाते हैं। मेन स्केल को देखकर ये पता किया जाता है कि इसकी जो सर्कुलर स्केल है वो कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन घूम चुका है। अच्छा, फिर लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट LC बराबर ये होता है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन होंगे। समझे, सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन होंगे ये चीज देखनी पड़ेगी। तो मान लो सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन है, तो आप कम से कम एक डिवीजन तो रोटेट करोगे ही करोगे। तो एक डिवीजन घुमाने का मतलब 1/100 रिवॉल्यूशन घुमाना। तो एक रिवॉल्यूशन में पी दूरी आगे बढ़ते हो, तो एक डिवीजन में यानी 1/100 रिवॉल्यूशन में 1/100 × p आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे। तो बस वही लीस्ट काउंट है, वो मिनिमम दूरी जो आप मीजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट जो है वो ये आ गया। अच्छा, और गैप बिटवीन स्क्रू एंड स्टॉपर, ठीक है, अगर आप उसको लिखना चाहें, ठीक है, या ये कह लो, या ये कह लो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्ड बिटवीन। अरे भाई, जितना साइज जिस साइज का ऑब्जेक्ट जो है तुम स्क्रू और स्टॉपर के बीच में फंसाओगे वही गैप हो गया। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्ड बिटवीन स्क्रू एंड स्टॉपर, इसको आप रीडिंग और स्क्रू ऑफ स्क्रू गेज भी कह सकते हैं। चाहे ये कह लो, चाहे ये कह लो, या रीडिंग कह लो, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। पूरी बात लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि रीडिंग कह दी जाए, हो सकता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट फंसाया गया उसका साइज बोल दिया जाए, या स्क्रू और स्टॉपर के बीच का जो गैप है वो कह दिया जाए। तो इक्वल टू, तो ये रीडिंग क्या होगी, MSR पूरा लिख देता हूँ, पहले भी लिख चुका हूँ बट फिर लिखता हूँ, मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, CSR। मेन स्केल रीडिंग क्या हुआ, मेन स्केल रीडिंग जो है ये तो हो गई, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेन स्केल विजिबल आउटसाइड सर्कुलर स्केल। जब सर्कुलर स्केल घुमाते हो वो पीछे खिसकता जाता है, तो मेन स्केल का पार्ट जो है वो दिखता चला जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवीजन्स, ठीक है, ऑफ मेन स्केल विजिबल, ठीक है, तो ये हो गया n इंटू MST। ये n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल विजिबल आउटसाइड सर्कुलर स्केल। समझे, सर्कुलर स्केल के बाहर मेन स्केल के अगर 20 डिवीजन दिख रहे हैं, इसका मतलब कितना मेन स्केल की रीडिंग है, 20 × 1 मेन स्केल का डिवीजन, ठीक। और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो गई, ये हो गई M इंटू LC।
और एम क्या है, ये सर्कुलर स्केल का वो मार्क है जो मेन स्केल से मैच कर रहा है। तो क्या मार्क ऑन सी एस यानी सर्कुलर स्केल विच मैचेस विद एम एस। ठीक, ये पूरी बात मैंने एक बार आपके सामने लिख दी है, किसको लेकर, स्क्रू गेज को लेकर। एक बार ध्यान से देख लें, कॉपी में नोट कर लें, फिर हम लोग कुछ स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे ली जाएगी उसको लेकर सिंपल सी बातें करेंगे, बहुत कुछ खास नहीं है। तो देख लें एक बार और नोट कर लें कॉपी में। हाँ जी, चलिए तो मैं ये बात करता हूँ कि भाई ऐसा है, मेरे पास एक स्क्रू गेज है और स्क्रू गेज जो है उसमें आज की तारीख में स्क्रू और स्टॉपर के बीच में कोई आपने ये सिलेंडर सा छोटा सा फंसा दिया। अब आप इसकी लेंथ जो है एल वो पता करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये तो आपका स्क्रू है, ठीक, और ये सर्कुलर स्केल आपका जो है वो यहां दिखाई दे रहा है आपको, और ये मेन स्केल चल रहा है, ये मेन स्केल का 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हो 7 डिवीजन मेन स्केल के सर्कुलर स्केल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। और सर्कुलर स्केल जो है इसका मान लो 53वां मार्क जो है वो इस मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। 53 ऊपर कौन है, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ऐसे नीचे है 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, ऐसे ये सब मार्क यहाँ पर बने हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें जो एल है यानी इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो हम नापना चाह रहे हैं, यानी कि रीडिंग एल कह लो या रीडिंग कह लो, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है, क्या होगी, देखो एम एस आर प्लस सी एस आर, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब इसमें हुआ ये दिया हुआ है कि जो मेन स्केल का एक डिवीजन है, ठीक है, मेन स्केल का एक डिवीजन वो आपका है 0.1 सेंटीमीटर का, तो यही पिच होगी इस, मतलब एक चक्कर लगाने में इतना स्क्रू आ गया पीछे चला जाएगा। और सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन्स हैं, तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, P/100 यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। चाहिए, अब क्या हुआ, मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई, मेन स्केल रीडिंग हो गई 7 × 0.1 सेंटीमीटर। क्यों, देखो मेन स्केल के 7 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डिवीजन तो पीछे हम हटी चुके हैं, मतलब 7 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, तभी तो आपका सर्कुलर स्केल इतना पीछे हटा, क्योंकि एक चक्कर में एक डिवीजन दिखता तो 7 चक्करों में 7 डिवीजन। अच्छा, 8वां नहीं दिख रहा है, 8वां नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अभी 60 तो रिवॉल्यूशन पूरे हो चुके हैं बट 8वां रिवॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बीच में ही है मामला। ठीक, तो यूं घुमाते जा रहे थे हम और पीछे हटते चले जा रहे थे, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी, 53 × LC, देख लो 53 × 0. ये लिख देता हूं 7 × MSD और 53 × LC, तो यहां से MSD हो गया आपका 0.1, तो ये 0.7 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया LC वो रहा, तो ये 0.053 सेंटीमीटर हो गया, तो मिला के जो L है उसकी वैल्यू 0.753 सेंटीमीटर आ गई। लीजिए, देखा आपने, सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक जाके आपने नाप लिया।
नॉर्मल स्केल से आप सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक ही मीजर कर पाते हो लेंथ को, इसमें आप सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक जाके भी लंबाई को नाप सकते हो। यही अगर थोड़ा सा और घुमा दिया जाए, थोड़ा सा और घुमा दिया 53 की जगह यहाँ 54 वाला मार्क मैच कर गया, तो इसका मतलब आप यहाँ पर 54 कर देंगे तो यही लंबाई 0.754 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने कहा था पहले भी कि जो बर्नियर कैलिपर्स होता है उसके कंपैरिजन में स्क्रू गेज ज़्यादा आसान है, बहुत इजी है। ये बिल्कुल नॉर्मल एक स्केल की तरीके से ही हम इस पर रीडिंग ले लेते हैं, कुछ भी खास नहीं है। देख लीजिए, नोट कर लें, क्लास को रोकें, कॉपी में नोट कर लें ठीक से। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जीरो एरर की। जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स की बात करी थी उसमें जीरो एरर कंसीडर करी थी, वैसे इसमें भी है कि भाई नॉर्मली जो है वो क्या होना चाहिए कि जब स्क्रू और स्टॉपर के बीच में कोई गैप नहीं है, तो उस समय वो कंडीशन होनी चाहिए कि मेन स्केल का जीरो जस्ट विजिबल होना चाहिए और सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल से मैच करना चाहिए। ये इतनी बात आपको बताई जा चुकी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि यानी कि जीरो एरर है हमारे स्क्रू गेज में। अच्छा, ये देखो, ये मैं बनाता हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये आपका स्क्रू है, सामने स्टॉपर लगा था और ये मेन स्केल का जीरो और ये सर्कुलर स्केल इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, यस। और सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से मैच कर रहा है, बाकी ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे 99 98 97 96 94 93 92 91 90, ऐसे ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, तो आप ये कहेंगे कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने लिख दिया नो जीरो एरर, ठीक है, कोई जीरो एरर नहीं है। तो कभी अगर किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई नापोगे तो जो लंबाई इससे पता चलेगी, जो रीडिंग होगी वही एक्चुअल लेंथ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। कोई जीरो एरर है ही नहीं, क्योंकि आपको ये तो याद होगा ना, वो जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो एक्चुअल वैल्यू बराबर रीडिंग माइनस जीरो एरर करना पड़ता है। हाँ, सही है, यही करते थे। तो रीडिंग माइनस जीरो एरर करके एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, सही है। तो यहाँ पर तो जीरो एरर है ही नहीं, तो जो रीडिंग है वो एक्चुअल वैल्यू भी हो गई, ठीक। अब मैंने कहा भाई ठीक है, जीरो एरर भी हो सकती है, यस। जीरो एरर होने का क्या मतलब, ये देखिए, ये आपने सिचुएशन दिखाई, ये स्टॉपर है, इससे बिल्कुल चिपक के स्क्रू आ चुका है, और ये आपका जो है ये मेन स्केल है, ठीक, सही है। ये स्क्रू मेन स्केल के अंदर से आ गया इधर, और ये देखो, ये यहाँ पर सर्कुलर स्केल। आप देखो सिचुएशन क्या है, मेन स्केल का जीरो वाला निशान जो है वो हमें यहां दिखाई दे रहा है, और सर्कुलर स्केल का जीरो नहीं बल्कि सर्कुलर स्केल का मान लो 43वां मार्क यहां पे दिखाई दे रहा है, सही है। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ऐसे नीचे 42, 41, 40, ठीक, इस टाइप से, ठीक। मेन स्केल का 43 वाला जो निशान है वो, सॉरी, सर्कुलर स्केल का 43 वाला जो मार्क है वो मेन स्केल से मैच कर रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस समय की जो रीडिंग है वो जीरो नहीं है, इस समय की जो रीडिंग है वो जीरो एरर कहलाएगी। तो रीडिंग एरर बराबर, सॉरी, जीरो एरर बराबर रीडिंग व्हेन नो गैप बिटवीन स्क्रू एंड स्टॉपर। जिस समय स्क्रू और स्टॉपर के बीच में कोई गैप नहीं है तो रीडिंग जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन रीडिंग इस समय जीरो नहीं है बल्कि रीडिंग इस समय कुछ है, तो वही जो रीडिंग है वही एरर हो गई। कौन सी एरर? जीरो एरर। तुम कभी भी कोई भी रीडिंग अगर लोगे तो तुमको इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जीरो एरर बराबर इस समय की जो रीडिंग है वो आपकी है एम एस आर प्लस सी एस आर। एम एस आर तो जीरो हो गया, जीरो इंटू एम एस डी, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि एक कंप्लीट डिवीजन दिखाई दे रहा हो, पहला डिवीजन दिख रहा है लेकिन उसका कुछ पार्ट दिख रहा होगा, आपको फुल डिवीजन नहीं दिख रहा है। तो फुल डिवीजन एक भी नहीं दिख रहा, तो वो जीरो इंटू एम एस डी। और सी एस आर में, सी एस आर में 43 इंटू एल सी, तो यहाँ से रीडिंग आपकी आ गई 0.1 और ये 0.001, तो ये हो गया 0.043 सेंटीमीटर। ये वही नॉर्मल वाला केस है हमारा, पिच 0.1 सेंटीमीटर और सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन्स हैं। तो जो जीरो एरर है यहाँ पर वो हमारी हो गई 0.043 सेंटीमीटर। देख लीजिए, अब आप कभी भी कोई भी रीडिंग लोगे इस स्क्रू गेज से तो एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो रीडिंग में से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी। ये जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ, समझाया हुआ अच्छे से, वो उससे वेइंग मशीन वाले एग्जाम्पल से बताया था। चाहिए तो अगर ये भूल गए हो आप जीरो एरर वाला मामला, तो उसमें देख लीजिए जहाँ पर आपको जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें जहाँ जीरो एरर के बारे में बताया, उन नोट्स को अपने दोबारा पढ़िए, आपको याद आ जाएगा, ठीक है? और ये भी याद आ जाएगा कि हाँ यार, जीरो एरर जो आती है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो फिर एक्चुअल वैल्यू मिलती है, ठीक? तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, बहुत ऐसा कोई खास नहीं है, ठीक से नोट करें। जी, तो हम लोग देखते हैं फिर हम यहाँ पर निगेटिव जीरो एरर की भी बात करेंगे, एक ऐसा केस भी लेते हैं जिसमें निगेटिव जीरो एरर जो है वो देखने को मिल रही है। ओके, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये अपना स्क्रू गेज बनाना है। यस, ठीक है, और इस स्क्रू गेज जो है इसको हम लोग वही स्क्रू को स्टॉपर से मैच करा दिए। ठीक है, अब मेन स्केल जो है इसके ऊपर यहाँ पर सर्कुलर स्केल चढ़ा हुआ है। लो भाई, मेन स्केल पे सर्कुलर स्केल चढ़ा दिया है। और सर्कुलर स्केल के जो डिवीजन्स हैं वो दिखाए। अब सर्कुलर स्केल का मान लो 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे 35, 30। देखो, सर्कुलर स्केल का 38 वाला मार्क जो है वो मैच कर रहा है मेन स्केल से, लेकिन जीरो ऑफ मेन स्केल इज नॉट विजिबल। जीरो ऑफ मेन स्केल विजिबल नहीं है, तो क्या करें? तो भाई मेरे, अब आप ये देखिए कि अगर इस समय मेन स्केल का जीरो विजिबल नहीं है तो जीरो एरर क्या होगी? जीरो एरर इस समय होगी एम एस आर प्लस सी एस आर, और मेन स्केल की रीडिंग जो है वो -0.1 सेंटीमीटर ली जाएगी। क्यों? देखो, अगर जीरो दिख रहा होता तो मेन स्केल की रीडिंग जीरो होती। अब आप उसके भी ऊपर चढ़ के इधर निकल आए, इसका मतलब जीरो से पहले कौन सा निशान था? भाई अगर ये था जीरो, मेन स्केल की बात हो रही है,
ये है 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.2 सेंटीमीटर, ये 0.3 सेंटीमीटर। तो इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे -0.1 सेंटीमीटर। तो भाई मेरे, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ ये जीरो दिख रहा होता तो आप कहते हैं कि ये रीडिंग जीरो है, मेन स्केल की रीडिंग। अगर ये भी दिख रहा होता तो मेन स्केल की रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर होती, अगर ये भी दिख रहा होता तो मेन स्केल की रीडिंग 0.2 सेंटीमीटर, अगर ये भी दिख रहा होता तो मेन स्केल की रीडिंग 0.3 सेंटीमीटर होती। अब ये नहीं दिख रहा है तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, -0.1 सेंटीमीटर, समझे। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग वो हो गई 38 × LC। तो यहां से जो जीरो एरर है वो आपको मिल गई -0.1 सेंटीमीटर और प्लस 38 × 0.001, तो -0.1 प्लस 0.038 सेंटीमीटर, तो ये आ गया जीरो एरर, माइनस में 0.062 सेंटीमीटर, ये जीरो एरर है। तो अगर मेन स्केल का जीरो भी सर्कुलर स्केल के अंदर घुस गया है, इसका मतलब इस समय जो रीडिंग है वो नेगेटिव है और ये ही है जीरो एरर। अब ये नेगेटिव है तो जब एक्चुअल वही काम होगा कि जब आप इसका इस्तेमाल करके कहीं कोई रीडिंग लोगे तो जो भी रीडिंग आएगी उसमें से जीरो एरर घटानी पड़ेगी, तब जाके आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, सही है। तो ये सिंपल सी चीज़ है और कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है, बट ये ध्यान रखने वाली बात है। ये जो यहाँ पर है MSR, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, किसमें, बर्नियर कैलिपर्स में भी, बर्नियर कैलिपर्स में भी ये बताया था कि अगर जो है जो बर्नियर का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से इधर आ जाए, आगे ना जाए पीछे आ जाए, तो क्या करेंगे। हालांकि इसमें कोई ये भी कह सकता है कि भाई अब ये ऊपर चढ़ गया तो कितना ऊपर चढ़ गया ये तो पता नहीं है, हाँ तो इसके बाद -0.2 भी होगा। अब तो मगर इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है कि ये यहाँ से यहाँ पर इसको भी कवर कर लिया तो फिर मेन स्केल की रीडिंग -0.2 होगी। अब लेकिन इधर निशान तो बने नहीं होते, तो भाई हम यही अज्यूम करेंगे कि ऐसे में अगर जीरो अंदर घुसा है तो हम यही मानेंगे कि जीरो ही जस्ट अंदर घुसा होगा, ये नहीं कि उससे पहले वाला निशान को भी सर्कुलर स्केल कवर कर चुका होगा या और पर, क्योंकि वो तो फिर पता ही नहीं है ना। तो हमारे पास कोई है ही नहीं ऐसी चीज़ की जिससे हम कहें कि यार ये यहाँ पे जो है वो ठीक है, कौन सा निशान दिख रहा है, ठीक है। आप जीरो के एक बार पार होके इधर चले गए तो फिर माइनस ना -0.1 बना है ना -0.2 बना, ये तो मैंने बनाए हैं अभी, एक्चुअल में तो यहाँ बने नहीं है, तो फिर तो आप अंदाजे से काम करोगे, ठीक है। दूसरा तरीका भी अलग ही एक है जिसमें आप कंफर्म अंदाजे से नहीं कंफर्म बात कर सकते, तो उसमें क्या करते हो कि इसको मिलाया जीरो नहीं देखा, फिर इसको घुमाओ पीछे हटाओ, और पीछे हटाओगे तो कितने चक्कर लगाने के बाद जीरो पे पहुंचे। अब मान लीजिए आपने इसको घुमाया और आपने देखा कि यार एक पूरा चक्कर लगा दिया फिर भी जीरो नहीं आया, फिर दूसरा चक्कर लगाने चले तब कहीं जीरो निकल के आया, इसका मतलब आप यहाँ कहीं होगे, यहाँ तक का कवर कर रखा होगा आपने इतना, ये देखिए। तो एक चक्कर में यहाँ से यहाँ आओगे, फिर एक और चक्कर में यहाँ आओगे, तो फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम कितने चक्कर यहाँ पे लगाएं कि पीछे की तरफ आएं कि हमें जीरो दिखाई देने लगे, ठीक है। तो वो अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो उस सवाल में जो है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि उसमें क्या करना पड़ेगा, कितने रिवॉल्यूशन पीछे आएँ कि जीरो दिखाई देने लगे। अगर एक चक्कर के अंदर ही अंदर आपको जीरो दिखाई देने लगा इसका मतलब आप यहाँ थे, सही है। अगर एक चक्कर के अंदर ही अंदर जीरो दिखाई देने लगा इसका मतलब आप यहाँ कहीं पे हो गए, तभी तो पीछे हटे तो जीरो दिखने लगा। अगर एक चक्कर के बाद फिर एक चक्कर से दूसरे चक्कर के बीच में जो है वो जीरो दिखता है इसका मतलब आप यहाँ रहे होंगे, तभी एक चक्कर में यहाँ तक आओगे तो भी जीरो नहीं दिखेगा, फिर दूसरा चक्कर जब लगेगा तब आपको जीरो दिखेगा। अब ये तो ठीक है, अब इतनी चीज़ को हम लिखना नहीं पसंद करेंगे कि इसको समझा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम इसको तो किसी क्वेश्चन के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसमें इसको डील करेंगे, सही है। चलिए अभी के लिए तो हम यही मान लेते हैं कि जीरो जो है, क्योंकि नॉर्मली जो भी सवाल हम फेस करते हैं उसमें अगर ऐसा है निगेटिव जीरो एरर है तो यहाँ पर बस ये बताया जाएगा कि जीरो जो मेन स्केल का है वो सर्कुलर स्केल के अंदर जस्ट घुस गया है, ऐसे बोला जाएगा। तो जस्ट अंदर घुस गया है, तो अगर जस्ट अंदर घुसा है तो उस केस में मेन स्केल की रीडिंग -0.1 सेंटीमीटर होगी, -0.2 नहीं होगी, समझे। ये जीरो जस्ट अंदर घुसा है तो रीडिंग ये होगी मेन स्केल की, ठीक। तो ये सिंपल सी बात है, बाकी एक्चुअल वो लिख देता हूँ मैं कि जो रीडिंग होगी या एक्चुअल वैल्यू होगी, कभी इससे आप कुछ भी मेजरमेंट करोगे तो एक्चुअल वैल्यू बराबर
रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है, वेइंग मशीन के केस से समझाई थी, फिर हमने इसका इस्तेमाल उसमें भी किया था, किसमें, स्क्रू गेज में, और ये हमने इसमें सॉरी उसमें बर्नियर कैलिपर्स में यूज़ किया था, अब हमने यहाँ पर स्क्रू गेज में भी सेम चीज़ आपको बता दी है। तो क्लास को रोक लें और ये जो सामने आपके इसको कॉपी में साफ साफ नोट कर लें। तो हम लोग सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। और वैसे नॉर्मली तो जो स्क्रू गेज बनाए जाते हैं उसमें जो पिच होती है यानी मेन स्केल डिवीजन होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक, पिच यानी मेन स्केल डिवीजन कितना, 0.1 सेंटीमीटर होता है, बट आप अपने हिसाब से उसको कुछ और भी ले सकते हैं। ऐसे ही सर्कुलर स्केल जो है उस पर जो डिवीजन्स हैं वो आमतौर पर 100 होते हैं, बट आप ऐसा स्क्रू गेज भी बना सकते हैं जिसमें 100 की जगह आपने 200 डिवीजन कर दिए, वो तो आपके ऊपर है, बनाने वाले के ऊपर है। ठीक है, चलिए तो एक सिंपल सा सवाल लिखते हैं। हमारे पास एक स्क्रू गेज है और स्क्रू गेज में आपको ये बताया कि जो मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल में 20 डिवीजन्स इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन कर रखे हैं आपने, सही है। और स्क्रू की जो पिच है वो मेन स्केल डिवीजन के बराबर ही है। ठीक है, ये तो होगा ही होगा क्योंकि उसके बिना फिर आप मेन स्केल की से रीडिंग नहीं देख पाओगे। अब क्या होगा, अब क्या हुआ कि भाई सर्कुलर स्केल पे 200 डिवीजन्स हैं, 200 डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आपको जानकारी दे दी। अब आपसे कहा गया कि जिस समय कोई गैप नहीं होता स्क्रू और स्टॉपर के बीच में, ठीक है, नो गैप, तो उस समय जीरो ऑफ MS इज इनसाइड CS, MS का जो जीरो है वो CS के अंदर है, ठीक है, इज जस्ट इनसाइड CS, जस्ट उसके अंदर है। और 34th या कुछ और कुछ भी और लिख लो, 23rd लिख दो, 23rd मार्क ऑन CS मैचेस विद MS, CS का 23वां निशान MS से मैच कर रहा है, ठीक। और देखिए फिर हमने ये बात कही कि भाई जो हमारा मेन स्केल है उसका जीरो था सर्कुलर स्केल के अंदर, अब तुमने क्या किया फिर सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और पीछे खिसकाना शुरू किया, मेन स्केल अपना दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों खिसका रहे हो, ताकि स्क्रू और स्टॉपर के बीच में गैप क्रिएट हो, वहां आप किसी ऑब्जेक्ट को फंसा के उसकी लंबाई नाप सको। ठीक है, टू मीजर डायमीटर ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का डायमीटर आपको नापना था, ठीक है, क्या किया इस स्फीयर को फंसा दोगे, अभी कहने की जरूरत नहीं है कि मैं कहानी लिखूं कि स्फीयर के साथ क्या किया जाएगा, तो इसको स्क्रू और स्टॉपर के बीच में फंसाया जाएगा, तो अंडरस्टूड है, ठीक है, ठीक है। व्हेन डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड बाय दिस स्क्रू गेज, एस जी लिख देता हूँ स्क्रू गेज, ठीक है, तो 1.6 सेंटीमीटर मार्क ऑन MS इज विजिबल, ठीक है, या इज जस्ट विजिबल आउटसाइड CS, CS के बाहर दिख रहा है 1.6, यानी कि 1.7 कहाँ होगा, CS के अंदर, ठीक। और 11th मार्क ऑफ CS मैचेस विद MS, ठीक,
तो जो ये स्फीयर है इसका डायमीटर आपको बताना है। ये सवाल हमारे सामने, स्फीयर का डायमीटर बताना है। तो क्या करोगे, पहले इससे जो है ये वाली जो सिचुएशन दे रखी है नो गैप वाली, इससे क्या करोगे, इससे तो जीरो एरर पता करोगे, फिर इससे रीडिंग निकालोगे और रीडिंग में से एरर को सब्ट्रैक्ट करोगे, रीडिंग में से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमीटर मिल जाएगी। सही है, डायमीटर सही है। यहां से क्या मिलेगा, जीरो एरर, ठीक। इससे क्या मिलेगी, रीडिंग, और डायमीटर कैसे मिलेगा, रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक। बस इसमें किया हमने यह है कि जो आपका स्क्रू गेज है वो नॉर्मल नहीं लिया है, इसको हमने क्या किया, इसके बारे में बताया कि मेन स्केल के पे एक सेंटीमीटर में जैसे आमतौर पर 10 डिवीजन होते हैं तो यहाँ पे कितने डिवीजन है, 20, और सर्कुलर स्केल के 200 डिवीजन जो है वो कर रखे हैं आपने एक पूरे चक्कर में। सही है, तो आपको यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि भाई 200 डिवीजन्स हैं तो उसके हिसाब से एलसी क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन क्या है, ठीक है। तो इसको 1.6, बल्कि ऐसे लिख देता हूँ मैं, 1.65 सेंटीमीटर मार्क लिख देता हूँ लोग, मेन स्केल का 1.65 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि मेन स्केल पे एक सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, तो 1.5 सेंटीमीटर, 1.55, 1.6, 1.65, 1.7, 1.75, ऐसे वाले मार्क होंगे। तो ये मैंने बात बता दी है। अब ये बहुत ही आसान सा सवाल है, क्लास को रोकें और आंसर निकालें, ज़्यादातर लोग लगभग सब लोग कर सकते हैं मन लगा के अगर पूरा सीरियसली करेंगे तो, ठीक। क्लास रोकिए, जवाब निकालिए। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम ये जो हमारा स्क्रू गेज है, ठीक है, इसको लेके बात करते हैं। देखो, पिच यानी कि मेन स्केल डिवीजन, पिच यानी कि मेन स्केल डिवीजन वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर अपॉन 20 यानी 0.05 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल पे एक डिवीजन 0.05 सेंटीमीटर का है तो उस पे जो निशान है वो 0, फिर 0.05, फिर 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, ऐसे सेंटीमीटर वाले निशान होंगे। और जो लीस्ट काउंट है वह पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पर 200 डिवीजन है तो 0.05 डिवाइडेड बाय 200, तो आ गया 0.00025 सेंटीमीटर। देख लीजिए, 00 लग जाएगा, 0.0005/2 तो 0.00025 सेंटीमीटर, यह लीस्ट काउंट आ गया। आप पहले जीरो एरर की बात करिए, हाँ जी, जीरो एरर भी इस समय की रीडिंग जो है वो है, तो MSR प्लस CSR, MSR कितना हुआ भाई, MSR जीरो ऑफ मेन स्केल सर्कुलर स्केल के जस्ट अंदर है तो बाहर कौन है, बाहर कौन है, माइनस का 0.05 सेंटीमीटर, समझे, क्योंकि जो निशान है वो आपके कौन, जीरो इधर, फिर मेन स्केल पे तो ये है ना डिवीजन, तो जीरो के इधर जाओगे तो 0.05 पे पहुंचोगे, तो जीरो के उधर जाओगे तो -0.5 पे पहुंचोगे ना, -0.1 तो ही ना आएगा, सही है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल का 23वां निशान ये, तो यहाँ से जीरो एरर आ गई हमारी, माइनस का 0.05 प्लस 23 × 0.0025, ऐसे ये जवाब है, ये आ गया जीरो एरर, ठीक। अब इस समय की रीडिंग क्या हुई,
इस समय की रीडिंग के लिए फिर वही बात, एम एस आर प्लस सी एस आर। एम एस आर कितना मेन स्केल की रीडिंग तो दे ही रखी है, 1.65 सेंटीमीटर वाला निशान जस्ट दिखाई दे रहा है, तो वो है 1.65, तो सेंटीमीटर मेन स्केल की रीडिंग हो गई। और सर्कुलर स्केल के लिए 11वां इंटू लीस्ट काउंट, तो 1.65 सेंटीमीटर प्लस 23 इंटू 0.0025 सेंटीमीटर, चाहिए ये रीडिंग आ गई। अब आ जाओ इस पर, जो डायमीटर है आपको वो चाहिए, तो वो हो गई रीडिंग माइनस जीरो एरर। रीडिंग में से जीरो एरर को घटाओ, रीडिंग ये है, इसमें जीरो एरर घटाइए, तो ये में से ये घट गया, तो ये आ जाएगा 1.70 सेंटीमीटर, और माइनस जीरो एरर, तो इसमें से इसको घटाएंगे, सॉरी ये 23 नहीं 11, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 12 इंटू -12 इंटू 0.0025 सेंटीमीटर, तो 1.7 माइनस 12 इंटू 25 कितना होता है 300, तो यह आ जाएगा 0.003 सेंटीमीटर, तो आ गया 1.697 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जवाब बता सकते हैं। देख लीजिए आपने क्या किया, जो रीडिंग है उसमें से जीरो एरर को घटाया, रीडिंग में से जीरो एरर को घटाया, तो यहाँ पे इसमें से घटाओगे तो 1.65 में से ये घटा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1.65 प्लस 0.05 वो तो 1.7 हो गया, और इसमें से घटाओगे तो 11 में से 23 गया कितना 12 आएगा, तो माइनस 12 दिस थिंग 11 माइनस 23 माइनस 12 भी तो होगा, यस, और यहाँ से ये आ गया, घटा दिया, जवाब आ गया। तो ये है, ये एक सवाल लिया है जिसमें मैंने जीरो एरर वो देखी, रीडिंग वो देखी, जीरो एरर का करेक्शन कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है वो देखा, ठीक है, और ये भी देखा कि कोई जरूरी नहीं है कि ये स्क्रू गेज नॉर्मल वाला ही हो, ठीक है, स्क्रू गेज आप अपने हिसाब से कोई और भी ले सकते हैं। इसमें जैसे नॉर्मली मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, तो मेन स्केल का डिवीजन 0.05 सेंटीमीटर का है, तो ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि मेन स्केल का डिवीजन 0.05 सेंटीमीटर है, तो आप अगर जीरो पे हैं तो इधर जाएंगे तो 0.05, और उधर जाओगे तो -0.05, सही है, तो इसीलिए जीरो एरर के समय जो मेन स्केल रीडिंग है वो जीरो के इधर वाला जो निशान है वो कौन सा, -0.05 है, तो वो लेना पड़ेगा, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग तो जो 23वां निशान मैच कर रहा है उसके हिसाब से हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और ठीक से क्लास को रोक के कॉपी में नोट साफ साफ कर लीजिए। तो फिर हम लोग इसके बाद जो है लॉज ऑफ मोशन होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है, और जिसमें आपने जो है F=ma, ठीक है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सब जो है वो पढ़ना होता है। अब थोड़ा सा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो उसमें वेक्टर का जो है वो इस्तेमाल ठीक ठाक होता है, चाहिए कंपोनेंट वगैरह करने के लिए भी होता है, या कहीं कुछ और भी चीज़ों का वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल, मतलब ज़रूरी है वेक्टर कुल मिला के, कहीं पर 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो भाई वेक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो आप थोड़ा सा जो है लॉज ऑफ मोशन जो है वो अगर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले अगर वेक्टर को थोड़ा रिवाइज कर लें तो बेटर रहता है, चाहिए, तो आप लोगों ने वेक्टर जहाँ से भी पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपके नोट्स हैं, कॉपी है, बुक है, वट एवर, उससे थोड़ा सा वेक्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये है कि कहीं लॉज ऑफ मोशन में हम आई कैप जे कैप के कैप यूज़ कर रहे हैं, कहीं कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फिर हमको उसमें कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, सब लगता है हाँ ठीक है ये सब तो हमको पता ही है, अदरवाइज़ क्या है कि वो पता चला पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, दिमाग जो है वो वेक्टर में उलझा पड़ा है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप क्या करें, थोड़ा सा वेक्टर जो है रिवाइज कर लीजिएगा,
लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले।